गुड मॉर्निंग पूजा जी रोहित गुड मॉर्निंग रामवती जी गुड मॉर्निंग ज्योति जी गुड मॉर्निंग ठीक तो बंगाल में द्वैध शासन की बात कर रहे थे और हमने शासन में एक बात कही थी कि बंगाल में जब अंग्रेजों ने विजय हासिल की और नजमुद्दौला और सुजाउदौला और शाह आलम के साथ वे इलाहाबाद की संधि करते हैं उसके बाद पूजा जी गुड मॉर्निंग उसके बाद वह आगे बढ़ते हैं और बंगाल में द्वैध शासन की प्रकृति को द्वैध शासन को अप्लाई करने का प्रयास करते हैं ये था क्या इसको समझने क्योंकि अंग्रेज हमारे देश से संबंध नहीं रखते थे इसलिए उनका मूलभूत जो प्रयास था वह यह था कि संसाधनों की लूट और राजस्व के द्वारा अपना जो कमाई है अपनी जो आय है उसको बढ़ाना ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि इस द्वैध शासन में यहां पर बंगाल में जो नवाब है वह अब प्रशासन तो चला रहा है किंतु राजस्व अधिकार उसके पास नहीं है और प्रशासन को चलाने में राजस्व की क्या भूमिका होती है इसका वार्तालाप कई बार हम कर चुके हैं मैंने यही बताया आपको कि बिना आर्थिक शक्ति के राजस्व यानी बिना राजस्व के बिना टैक्स के बिना टैक्सेशन के कोई भी राज्य स्टेब्लिश नहीं हो सकता इसको हम आज भी देख रहे हैं आज भी समझ पा रहे हैं ऐसी स्थिति में यहां पर हम देखेंगे कि प्रशासन तो नवाब के हाथ में है यानी उत्तरदायित्व तो नवाब का है किंतु वास्तविक शक्ति नवाब के पास नहीं है वह जा चुकी है और शक्ति क्यों नहीं है तो इसको साधारण सी बात में याद रखिए लोग तभी पूछेंगे कैसा है जब आपकी जेब में पैसा है सिंपल से ये कॉन्सेप्ट आज भी लगता है ठीक है तो सीधी सी बात है कि जहां प्रशासन नवाब के हाथ में है तो शक्ति उसके हाथ में रह नहीं गई क्योंकि अब राजस्व को बंगाल का जो राजस्व है जो कर वितरण है जो कर है वो बंगाल के हाथ में वो बंगाल के नवाब के हाथ में नहीं है ऐसी अवस्था में ठीक, ऐसी अवस्था में यहां पर हम यह समझ पाएंगे कि नवाब के हाथ में उत्तरदायित्व तो है किंतु शक्ति नहीं है दूसरी तरफ जो हमारा दूसरा पक्ष जो कि अंग्रेज है उनके पास वित्तीय यानी राजस्व का संपूर्ण अधिकार सुरक्षित है और ये राजस्व का अधिकार उनके पास सुरक्षित है इसमें क्या है कि शक्ति तो अंग्रेजों के पास है किंतु उत्तरदायित्व तो उनके पास नहीं है वो कोई बंगाल की प्रजा के लिए काम करने नहीं आए हैं वह अपने संपूर्ण हित की प्रतिपूर्ति के लिए भारत और बंगाल में आए हुए हैं ऐसी दशा में यह पूरा शासन बिखरने लगेगा और बंगाल की लूट शुरू होगी और यह जो लूट है यह संस्थागत होगी एकदम क्रमिक होगी और यहीं से फिर बंगाल की लूट से भारत की लूट का रास्ता खुलेगा ठीक है तो यहां पर आप द्वैध शासन देख रहे हैं कि एक शक्ति के हाथ में राजस्व और एक शक्ति के हाथ में प्रशासन नवाब के हाथ में प्रशासन की बागडोर है किंतु नवाब के पास उत्तरदायित्व नहीं है सिर्फ शक्ति है और प्रशासन है उत्तरदायित्व है शक्ति नहीं है और दूसरी तरफ आप जब वित्तीय प्रबंधन की तरफ जा रहे अंग्रेजों को देख पा रहे हैं तो वहां पर आप समझ पा रहे हैं कि शक्ति तो है किंतु उत्तरदायित्व की भावना नहीं है किसी शासन को चलाने की भावना नहीं है तो सिर्फ ये लूट तक सीमित रहेंगे किसी को बंगाल का द्वैध शासन कह रहे हैं तो नवाब तो कठपुतली बन के रह गया ठीक तो जिसकी शुरुआत वह मुर्शीदुली खां है ना अल, अली वर्दी खां फिर उसके बाद आपका सिराजुद्दौला मीरजाफर मीर, मीर कासिम मीर जाफर और नजमुद्दौला तो अब वह स्थिति तैरकी पे आ गई है द्वैध शासन पे आ गई है एक तरफ अंग्रेज हैं एक तरफ नवाब है तो सबसे पहले जो हमें लिखना और समझना है कि द्वैध शासन क्या है इसी को द्वैध शासन कि द्वैध शासन क्या है, है? चलिए ऐसे हेडिंग डाल लीजिए और इसको लिखना प्रारंभ करते हैं कि द्वैध शासन क्या है ठीक लिखें कि बंगाल बंगाल में क्लाइव ने बंगाल में क्लाइव ने वही व्यक्ति है जो ब्रिटेन से आ रहा है इलाहाबाद की संधि के समय तो बंगाल में क्लाइव ने नवाब नजमुद्दौला के समय नवाब नजमुद्दौला के समय सत्रह सौ पैंसठ में नवाब नजमुद्दौला के समय सत्रह सौ पैंसठ में द्वैध शासन की स्थापना की द्वैध शासन की स्थापना की द्वैध शासन की स्थापना की कौमा द्वैध शासन की स्थापना की कौमा इस व्यवस्था के तहत इस व्यवस्था के तहत इस व्यवस्था के तहत दीवानी अधिकार इस व्यवस्था के तहत दीवानी अधिकार दीवानी अधिकार कंपनी के पास आ गए कंपनी के पास आ गया यानी राजस्व का सारा अधिकार कंपनी के पास चला गया कंपनी के पास आ गए किंतु प्रशासनिक उत्तरदायित्व किंतु प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को दिया गया नवाब को दिया गया नवाब को दिया गया किंतु प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को दिया गया कौमा इस प्रकार इस प्रकार एक ही प्रांत में इस प्रकार एक ही प्रांत में दो शक्तियों का शासन मौजूद था इस प्रकार एक ही प्रांत में दो शक्तियों का शासन मौजूद था कौमा अंग्रेजों के पास वास्तविक शक्ति थी अंग्रेजों के पास वास्तविक शक्ति थी जबकि नवाब के पास उत्तरदायित्व था अंग्रेजों के पास वास्तविक शक्ति थी जबकि नवाब के पास उत्तरदायित्व था उत्तरदायित्व तो था ठीक है अब यहां से देखेंगे कि उत्तरदायी कारक क्या थे ठीक अगला लिखेगा द्वैध शासन के, के उत्तरदायी कारक ध्वैध शासन के उत्तरदायी कारक ठीक देखो दो तीन चीजें हैं सबसे पहला मामला यह था कि इसके उत्तरदायी कारकों को समझने के लिए सबसे पहले यह समझिए कि बेसिक फंडामेंटल कंपनी का है क्या कंपनी यह चाहती है कि उसको लाभ मिलता रहे अगर कंपनी बंगाल की सत्ता पर प्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण स्थापित करती तो वहां जो था जो जनता थी जो नवाब को जानती थी उस जनता के असंतोष का कंपनी को करना पड़ता सामना ठीक तो अगर जनता के असंतोष का कंपनी को सामना करना पड़ता तो मामला यह हो जाता कि जो आर्थिक लाभ है वो बाधित होते समझ गए अगर जनता के असंतोष का कंपनी को सामना करना पड़ता तो कंपनी को मिलने वाले जो आर्थिक लाभ बंगाल से हैं वो होते बाधित ऐसी दशा में शासन चलाना मुश्किल हो जाता तो शासन ना चलाकर अपने आर्थिक लाभ को बनाए रखने के लिए कंपनी ने नवाब को प्रशासन का उत्तरदायित्व तो दिया और स्वयं आर्थिक रूप यानी जो आर्थिक व्यवस्था थी जो कर संचय था उसको अपने पास रखा यह तो एक कारण हो गया अब जरा दूसरे कारण पर चलते हैं कि मामला यह है कि अगर प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की सत्ता पर कंपनी नियंत्रण कर लेती ठीक ठीक है प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता तो अन्य यूरोपीय कंपनियों समझ गए अगर प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की सत्ता पर ब्रिटिश कंपनी नियंत्रण स्थापित करती जो वहां अन्य यूरोपीय कंपनियां थी जो व्यापार के कारण बंगाल में आई हुई थी उनसे उन्हें चुनौती मिलती उनसे उन्हें झगड़ा करना पड़ता युद्ध करना पड़ते ऐसी एक स्थिति में उन्होंने बंगाल को प्रशासन का हेड बनाकर रखा और खुद आर्थिक शक्ति को अपने हाथ में रखते हुए लाभ लेने के उद्देश्य से इस एक शासन को लागू किया ठीक है ना तीसरी चीज चूंकि अंग्रेज लाभ लेने आए हैं उनका प्रशासन चलाने में अभी कोई दिलचस्पी है नहीं इसलिए गुड मॉर्निंग श्रद्धा इसलिए आवश्यक यह है कि प्रशासनिक कठिनाई से बचा जाए और प्रशासनिक कठिनाई से बचने के लिए भी इस द्वैध शासन को लागू किया गया अर्थात प्रशासनिक कठिनाई से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि देखिए ब्रिटिश कंपनी और उस समय ब्रिटिश संसद अगर बंगाल पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करती ये ब्रिटिश कंपनी तो ब्रिटिश संसद इनके उस सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करती जिससे कंपनी के अपने लाभ प्रभावित होते इसलिए भी बंगाल में प्रत्यक्ष नियंत्रण कंपनी द्वारा नहीं लगाया गया कोई बात पल नहीं पल्लू जी नमस्कार इसीलिए कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष शासन वहां नहीं लगाया गया ये चार प्रमुख कारण थे जो उत्तरदायी कारक हैं द्वैध शासन के तो ये हेडिंग आपने डाली होगी इसका पहला बिंदु लिखिएगा ठीक कंपनी द्वारा बंगाल की सत्ता पर कंपनी द्वारा बंगाल की सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने से कंपनी द्वारा बंगाल की सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने से उन्हें जन, उन्हें उन्हें कंपनी द्वारा बंगाल की सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने से उन्हें भारी जन असंतोष का सामना करना पड़ता भारी जन असंतोष का सामना करना पड़ता कौमा इससे अंग्रेजों के इससे अंग्रेजों के आर्थिक लाभ बाधित होते इससे अंग्रेजों के आर्थिक लाभ बाधित होते अतः अतः आर्थिक लाभ लेने के लिए अतः आर्थिक लाभ लेने के लिए द्वैध शासन को लागू किया गया अतः आर्थिक लाभ लेने के लिए द्वैध शासन को लागू किया गया अगला बिंदु लिखिए दूसरा बिंदु प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा सत्ता लेने पर प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा सत्ता लेने पर बंगाल में मौजूद अन्य यूरोपीय व्यापारियों प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा सत्ता लेने पर बंगाल में मौजूद अन्य यूरोपीय व्यापारियों अन्य यूरोपीय व्यापारियों के विरोध का भय था अन्य यूरोपीय व्यापारियों के विरोध का भय था वस्तुता वस्तुता उन्हें कर देने के लिए वस्तुता उन्हें कर देने के लिए बाध्य करने पर उन्हें कर देने के लिए बाध्य करने पर संघर्ष की स्थिति बन सकती थी संघर्ष की स्थिति बन सकती थी अतः संघर्ष से बचने के लिए अतः संघर्ष से बचने के लिए उन्हें द्वैध शासन लागू करना पड़ा अतः संघर्ष से बचने के लिए उन्हें द्वैध शासन लागू करना पड़ा तीसरा लिखिए तीसरा प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए द्वैध शासन लागू किया गया प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए द्वैध शासन लागू किया गया ठीक है चलिए अगला चौथा बिंदु यहां नहीं है चौथा बिंदु लिखे यदि कंपनी यदि कंपनी बंगाल की सत्ता पर यदि कंपनी बंगाल की सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करती तो यदि कंपनी बंगाल की सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करती तो ब्रिटिश संसद ब्रिटिश संसद ब्रिटिश संसद कंपनी के मामले में ब्रिटिश संसद कंपनी के मामले में हस्तक्षेप करते हुए हस्तक्षेप करते हुए उस पर नियंत्रण बढ़ा सकती थी हस्तक्षेप करते हुए उस पर नियंत्रण बढ़ा सकती थी पूर्ण विराम इस नियंत्रण से बचने के लिए इस नियंत्रण से बचने के लिए द्वैध शासन को द्वैध शासन को लागू किया गया आप लोग दो मिनट इसको रिवाइज करिए, अभी आता हूं इस नियंत्रण से बचने के लिए द्वैध शासन लागू किया गया हाँ तो लाइन डिस्टर्ब आ रही है मतलब किस चीज की लाइन डिस्टर्ब हो गई अलवी जी वॉइस क्लियर नहीं है अब क्लियर है अब क्लियर है अच्छा ठीक तो क्लियर होगी ठीक है तो देखो ये तो रहे उत्तरदायी कारक अब वही मैंने कहा व्यक्ति विषय और घटनाएं और उनके परिणाम अब चूंकि द्वैध शासन है तो इसके अपने परिणाम नहीं होंगे तो अगले बिंदु पर हम ये देखेंगे कि इस द्वैध शासन के परिणाम क्या हुए तो हेडिंग लीजिएगा द्वैध शासन के परिणाम सबसे पहला ये कि कंपनी के पास उत्तरदायित्व तो नहीं था ठीक ऐसी स्थिति में जब कंपनी के पास उत्तरदायित्व तो नहीं है ठीक तो फिर क्या हुई कि बंगाल में कानूनी अव्यवस्था फैलने लगी क्योंकि कंपनी का मूल उद्देश्य लाभ कमाने का था ऐसी दशा में जब उन्होंने प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान नहीं दिया और बंगाल के नवाब के पास कार्य हैं बंगाल के नवाब के पास कर और राजस्व का कोई अधिकार नहीं है उस दशा में क्या हुआ कि बंगाल में कानूनी अव्यवस्था फैलने लगी धीरे धीरे वहां का जो तंत्र था जो राजव्यवस्था थी वो टूटने लगी और उसके टूटने के कारण वहां पर जो कानूनी व्यवस्था है उसकी स्थिति जो है वह कमजोर हो गई और उस कमजोर स्थिति में फिर आपको पता है आगे चल के फिर अभी इस द्वैध शासन को समाप्त भी किया जाएगा अगलन मनमाने राजस्व के कारण किसानों की अपनी जो स्थिति थी वह दयनीय हो गई अंग्रेज जैसा चाह रहे थे वैसा राजस्व निर्धारण कर रहे थे जिस कारण क्या हुआ कि उस एक क्षेत्र में सत्रह और 65 के समय जो राजस्व की राशि 80 लाख रुपए थी ठीक वही राजस्व की राशि सत्रह सो में बढ़कर 1.49 करोड़ हो जाती तो मनमाना राजस्व वसूलने के कारण किसानों से में 80 लाख रुपए की राशि पैंसठ तक 1.49 लगभग करोड़ रुपए हो जाती है जिस कारण से उस क्षेत्र के किसानों की स्थिति दयनीय होने लगती है है वह वह उनकी जो कृषि समाप्त होने लगती है क्योंकि उन पर अतिरिक्त कर का बोझ पड़ता है और इसको आगे देखेंगे भी हम कि इस लूट का क्या किसानों पर प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे उस जगह की जो कर की स्थिति है वह भी खराब होने लगती है और लोगों में विपन्नता आई ठीक है ना अगला क्या हुआ ठीक कंपनी के व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्यों प्रतिकूल प्रभाव पड़ा इस चीज को समझें क्योंकि कंपनी के अधिकारी निजी हितों के लिए कार्य कर रहे हैं कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि कंपनी के जो अपने अधिकारी हैं है, वे अपने निजी हितों के लिए कार्य कर रहे हैं उनका उद्देश्य अपनी कंपनी भी नहीं बचा और अपना देश भी नहीं बचा वो अपने निजी हितों अपनी निजी इनकम के लिए काम कर रहे हैं जिससे कंपनी के अपने व्यापार पर भी बंगाल के अंदर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ठीक है है ना अगला बिंदु देखेंगे तो फिर इन्हीं सब कारणों के चलते बहत्तर में वॉरेन हिस्टिंग आएगा और इस द्वैध शासन को समाप्त कर बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की घोषणा करेगा जब अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण बंगाल पर रहेगा और अंततः यह द्वैध शासन 1772 ईसवी में जाके समाप्त हो जाएगा ठीक तो 65 से चली व्यवस्था में 7 साल बाद 1772 में समाप्त हो जाएगी तो हेडिंग दीजिएगा द्वैध शासन के परिणाम और इन्हीं चीजों को पैराग्राफ वाइज लिखना है मेंस के प्रोस्पेक्ट व्यू ऑफ पॉइंट्स ठीक इसमें लिखिएगा सबसे पहले द्वैध शासन के परिणाम पहला बिंदु कंपनी के अधिकारियों में कंपनी के अधिकारियों में उत्तरदायित्व ना होने की वजह से कंपनी के अधिकारियों में उत्तरदायित्व ना होने की वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तरदायित्व ना होने की वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई कमजोर हुई जिससे बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई जिससे बंगाल में अव्यवस्था फैली जिससे बंगाल में अव्यवस्था फैली दूसरा बिंदु लिखेगा कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से राजस्व का निर्धारण किया गया कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से राजस्व का निर्धारण किया गया फलत हुआ, फलत हुआ, फलत हुआ, किसानों की स्थिति दयनीय हुई फलतः किसानों की स्थिति दयनीय हुई वस्तुतः वस्तुतः सत्रह में तत्रह सो में भू राजस्व की राशि भू राजस्व की राशि 80 लाख रुपए थी 80 लाख रुपए थी जो कि जो कि सत्रह सौ पैंसठ में बढ़कर सत्रह सौ में बढ़कर वन पॉइंट फोर नाइन करोड़ रुपए फोर नाइन करोड़ रुपए हो गई तो एक बार रिपीट कर दीजिए कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से भू राजस्व का निर्धारण किया गया भू राजस्व का निर्धारण किया गया फलत फलत किसानों की स्थिति दयनीय हुई किसानों की स्थिति दयनीय हुई वस्तुतः सत्रह सो में सत्रह सो में भू राजस्व की राशि 80 लाख रुपए थी 80 लाख रुपए थी जो सत्रह सो में जो सत्रह सो में बढ़कर बढ़कर 1.49 करोड़ रुपए 1.49 करोड़ रुपए हो गई हो गई अंतिम बिंदु अब इसका अंत कर देते हैं द्वैत्त शासन का अंततः सत्रह में अंततः सत्रह में वॉरेन हेस्टिंग वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से कंपनी की सत्ता स्थापित की कंपनी की सत्ता स्थापित की इस तरह इस तरह प्लासी से शुरू हुई इस तरह प्लासी से शुरू हुई नियंत्रण की प्रक्रिया इस तरह प्लासी से शुरू हुई नियंत्रण की प्रक्रिया पूरी हुई इस तरह प्लासी से शुरू हुई नियंत्रण की प्रक्रिया पूरी हुई तो बना लीजिए ये देखिए बीच में मैसूर है उसके ऊपर हैदराबाद है कर्नाटक मद्रास एक ब्रिटिश केंद्र है ठीक और त्रावणकोर एक ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र है इस मैप से आपको समझ में आएगा देखिए मैसूर एक तरफ मराठा है एक तरफ ब्रिटिश है और बीच में माहिर वो जो फ्रांसीसी क्षेत्र है बस्ती ठीक है ठीक और फिर कर्नाटक और मराठा शक्ति यहां पर आपको दिखाई दे रही है इसी प्रकार से ये स्टेट है तो हम देखेंगे मैसूर कर्नाटक युद्ध जो भी हुए हैं वो किस प्रकार से क्या रहा इसको बना लिया आप लोगों ने बना पाए हाँ या ना हाजी श्रद्धा जी सर अच्छा हो गया चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है ना चलिए सबसे सबसे पहले पहले देखना होगा कि मैसूर बना कैसे तो पहले विजयनगर साम्राज्य जो था विजयनगर और बहमनी जो आप पढ़ते हैं तो विजयनगर साम्राज्य का विघटन शुरू हुआ ठीक और इस साम्राज्य के विघटन के कारण मैसूर क्षेत्र में उडयर वंश का अपना शासन आता है ठीक और इसका जो शासक है वो चिक्का कृष्ण राय है और इस चिक्का कृष्ण राय में जो सेनापति है उसका नाम है देवराज और जो वित्त मंत्री है, उसका नाम है नंदराज हैदर अली इसी की सेना में था और सत्रह सौ इकसठ में अली मैसूर का शासक बनेगा ठीक तो जब विजयनगर साम्राज्य का विघटन होने लगता है तो मैसूर क्षेत्र में उडियार वंश का उदय होता है जिसका शासक चिक्का कृष्णराज है और इस चिक्का कृष्णराज के सेना में और इनके जो वित्त मंत्री होते हैं सेनापति देवराज होते हैं वित्त मंत्री नंदराज होते हैं जिस नंदराज की सेना में हैदर अली था और हैदर अली फिर सत्रह में मैसूर पर कब्जा करेगा और उसका शासक बनेगा ठीक ठीक है तो सबसे पहले हमें जो देखना है वो आंग्ल मैसूर युद्ध देखना है वो भी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ठीक जहां पर मद्रास की संधि देखने को मिलेगी तो लिखिएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मामला यह था कि जो हैदर अली था हैदर अली 1761 में शासक बनता है मैसूर का, और मैसूर का का और शासक बनने के साथ ही वह से अपने संबंध बनाना शुरू करता है ऐसी दशा में जहां मद्रास है बगल त्रावण कोर है माहिर फ्रांसीसी बस्ती मैसूर में होती है और हैदर अली लगातार उस सहयोगात्मक संबंध को आगे बढ़ाने लगता है मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शक्तियों में टकराव होगा तो फिर युद्ध की शक्ल वो ले लेगा वह संघर्ष युद्ध को जन्म देगा यह टकराव बढ़ते बढ़ते इस सीमा तक पहुंच जाता है कि अंग्रेजों को बड़ा नागवार गुजरता है कि हैदर अली फ्रांसी बात क्यों कर रहा क्यों सहयोगात्मक संबंध बना रहा गुड मॉर्निंग अंजलि ऐसी एक दशा में इसी मुद्दे पर हैदर अली और अंग्रेजों का युद्ध होता है अंग्रेज हैदर अली को पराजित करते हैं और वह युद्ध मद्रास की संधि पर खत्म होता है और इस संधि के तहत दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस करते हैं और यह प्रॉमिस करते हैं अंग्रेज कि आगे अगर हैदर अली को कोई समस्या आती है तो अंग्रेज उसका साथ देंगे तो फ्रांसीसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध बढ़ाने के मुद्दे पर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद मद्रास की संधि की जाती है जिस संधि के तहत दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र ना सिर्फ वापस करते हैं बल्कि एक दूसरे के मुसीबत में साथ देने का भी वादा करते हैं ठीक और यह पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि युद्धों की जो परिणति होगी वो आर्थिक लाभ लेने की होगी राजनीतिक लाभ लेने की भी नहीं होगी तो फ्रांसीसियों के साथ हैदर अली के जाने से कहीं ना कहीं अंग्रेजों के अपने आर्थिक लाभ प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं इसलिए अंग्रेज हैदर अली के साथ युद्ध में संलग्न होते हैं यहां कहीं भी राजनीतिक कारण नहीं है क्योंकि यदि एक राज्य किसी एक खास सत्ता के पक्ष में अपना ओपिनियन मत या पक्ष रखता है तो ये बट ऑब्वियस है कि दूसरे के साथ उसके संबंध खराब होंगे ही होंगे ऐसी एक दशा में बहुत आवश्यक हो जाता था कि इस युद्ध को होना ही था ठीक और युद्ध होता है मद्रास की होती है क्या कह रहे हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में सेंचुरी क्या लिखा है आपने सत्रह सो सड़सठ के बाद यहां से ये युद्ध होता है तो इसमें लिखिएगा हैदर अली हैदर अली 1761 में हैदर अली 1761 में मैसूर का शासक बना हैदर अली 1761 में मैसूर का शासक बना मैसूर का शासक बना कौमा उसने फ्रांसीसियों के साथ उसने फ्रांसीसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाया सहयोगात्मक संबंध बनाया और ब्रिटिश विरोधी नीति अपनाई और ब्रिटिश विरोधी नीति अपनाई ब्रिटिश विरोधी नीति अपनाई पलतः अंग्रेजों के साथ पलतः अंग्रेजों के साथ उसका युद्ध हुआ पलतः अंग्रेजों के साथ उसका युद्ध हुआ जो अंततः जो अंततः मद्रास की संधि के साथ जो अंततः मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ जो अंततः मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ कौमा, इस संधि के तहत इस संधि के तहत दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए वापस कर दिए एवं दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए एहम जरूरत पड़ने पर जरूरत पड़ने पर अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने मैसूर को जरूरत पड़ने पर अंग्रेजों ने मैसूर को सैनिक सहायता देने का सैनिक सहायता देने का वादा किया सैनिक सहायता देने का वादा किया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अस्सी से चौरासी मामला हुआ यह कि अंग्रेजों ने वादा तो कर दिया मद्रास की संधि में लेकिन बीच में जो जितना भी जो घटनाएं हुई हैं उसकी परिणति अब हमें देखने को मिलेगी वास्तविकता में अंग्रेजों ने जो वादा किया मद्रास की संधि में कि कोई टेंशन मत लो अगर तुम पर कोई आक्रमण होगा तो हम हैं अंग्रेजों अंग्रेजों को यही काम था इसी टाइप से वर्गलाते थे गए और इसकी पीठ थपाक कहा तुम टेंशन मत लो अगर तुम पर कोई आक्रमण करेगा तो हम हैं ठीक वी आर विथ यू ब्रो ब्रो टाइप की बात कर दी ठीक अब हुआ क्या कि सत्रह में मराठाओं ने मराठा शक्ति ने मैसूर पर कर दिया आक्रमण अब इधर से हैदर अली चिल्ला रहे हैं हेल्प मी ब्रो हेल्प मी ब्रो अब ब्रो आए नहीं हेल्प करने ऐसी स्थिति में मैसूर और हैदर अली में असंतोष बढ़ गया ब्रिटिशर्स को लेके क्योंकि आपने अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं की आप उस एक बात उस एक संधि से पलट गए उसके जो मूलभूत सिद्धांत थे उससे पलट गए ऐसी दशा में यहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय क्या हुआ सत्रह से चौरासी का वह समय इकहत्तर में जब मराठाओं ने मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेज वहां हैदर अली की हेल्प करने सहायता करने नहीं पहुंचे जिससे मैसूर में असंतोष बढ़ गया ठीक अब मामला क्या हुआ कि इसी समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है और वहां फ्रांसीसी और अंग्रेज फौज आमने सामने ऐसी दशा में मैसूर का एक क्षेत्र माहे जहां पर युद्ध होता है और फ्रांसीसी उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं ये अमेरिका में जब एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे हैं तो वस्तुतः यहां भी भारत में भी ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है ऐसी दशा में हैदर अली द्वारा फ्रांसीसियों की तरफ अपने ओपिनियन मत पक्ष और राय को ले जाने के कारण अंग्रेज जो थे वो मैसूर से कुपित होते हैं क्रोधित होते हैं ठीक में देखा जाए तो थोड़े समय के लिए मैसूर निजाम और मराठाओं का त्रिगुट बना था तो 80 से इक्यासी का वर्ष अंग्रेजों के लिए बड़ा ही यह संकट का वर्ष था क्योंकि भारतीय परिस्थिति के साथ साथ इस समय उनकी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी उनके प्रतिकूल चल रही थी जहां इस समय की बात करें तो इस समय मराठाओं से भी उनका प्रथम युद्ध चल रहा था और अंग्रेजों की कुछ क्षेत्रों में पराजय भी हुई थी इस समय के बीच में वहां ब्रिटिश अधिकारियों के बीच में भी मतभेद व्याप्त ठीक फ्रांस हॉलैंड स्पेन भी ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिकियों का साथ दे रहे हैं तो भारत के साथ साथ उनकी अंतरराष्ट्रीय स्थिति भी प्रतिकूल है इसलिए अंग्रेजों पर एक अतिरिक्त दबाव इस समय आया हुआ है इसलिए वो युद्धों में जा रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग ने इस संकट का समाधान निकाला ठीक निजाम और मराठाओं को अपने पक्ष में किया जहां एक तरफ मराठाओं से वो सालाबाई की संधि करेगा युद्ध से अलग करेगा वहीं युद्ध में हैदर को पराजित करेंगे हैदर की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ठीक शासक बनेगा युद्ध जारी रखेगा सत्रह में जो ब्रिटिशर्स हैं वो सही, उनके सहयोग से मंगलौर की संधि होगी और युद्ध समाप्त होगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि पर जाके समाप्त होगा सारी चीजें एक बार फिर से देख लें सबसे पहले फ्रांसीसियों के साथ निकट संबंध मद्रास की संधि का उल्लंघन मराठाओं द्वारा 1771 में मैसूर पर आक्रमण और अंग्रेजों का हैदर अली को साथ न मिलना यह पहला कारण दूसरे कारण में हम ये देखते हैं कि यहां पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो फ्रांस है वो अमेरिका का साथ दे रहा है ब्रिटिशर्स के खिलाफ इसलिए ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों में भारत में भी एक स्वाभाविक तनाव उत्पन्न हो रहा है और उस तनाव में माहे जो कि एक क्षेत्र है मैसूर में उसमें फ्रांसीसी जाकर कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करने के बाद वहां पर उस क्षेत्र में जो तनाव पैदा होता है उससे मैसूर और ब्रिटिशर्स के बीच में जो संबंध है वह खराब होते हैं अगर इस समय की बात करें यह अस्सी से चौरासी का समय तो इक्यासी का वो दौर अंग्रेजों के लिए बहुत प्रतिकूल स्थितियां रखे क्योंकि एक तरफ भारत में तो दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बाजार में उनकी स्थिति खराब है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है वहां डच हॉलैंड सब अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे हैं तो एक तो अंग्रेजों को अंतरराष्ट्रीय फ्रंट पर वॉर लड़ना पड़ रहा है दूसरी स्थिति भारत में कुछ समय के लिए निजाम मराठा और हैदर अली मैसूर इनका त्रिगुट बन रहा है त्रिगुट को तोड़ना बहुत जरूरी जहां एक तरफ इस समय मैसूर में स्थिति खराब चल रही इसी समय वो मराठाओं के साथ प्रथम युद्ध में इंडल्स है अंग्रेज वो प्रथम युद्ध मराठाओं के साथ भी उनका चल रहा है ऐसे में स्थितियां इतनी प्रतिकूल हो गई हैं कि इन स्थितियों को संभालने के लिए वॉरन हेस्टिंग सबसे पहले मराठाओं से सालाबाई की संधि करेगा और मराठाओं को युद्ध से अलग करेगा और हैदर अली अंततः मारा जाएगा और उसका बेटा जब टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठेगा तो इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो अंत है वो मंगलौर की संधि के रूप में आपके सामने आएगा तो तुरंत इसका जरा प्रथम बिंदु लिखें पहला बिंदु लिखें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का पहला बिंदु लिखें 1771 में 1771 1771 में जब मराठाओं ने जब मराठाओं ने मैसूर पर हमला किया 1771 में जब मराठाओं ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेजों ने तो अंग्रेजों ने मैसूर की सहायता नहीं की तो अंग्रेजों ने मैसूर की सहायता नहीं की अतः मद्रास की संधि का उल्लंघन हुआ 1771 में जब मराठाओं ने मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने मैसूर की सहायता नहीं की अतः मद्रास की संधि का उल्लंघन हुआ अतः मद्रास की संधि का उल्लंघन हुआ, हुआ फलतः है, मैसूर और अंग्रेजों के बीच मैसूर और अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ा तनाव बढ़ा समझ में आ रही हैं सारी चीजें ऐसा कोई जिसको समझ में ना आ रहा क्या चल रहा है क्यों चल रहा है किस लिए चल रहा है जल्दी से बताइए बोलिए बोलिए समझ में आ रहा आ है सर सिर्फ अंजलि को समझ में आ रहा है बाकी लोग आ रहे हैं सर आ रहा जी शर, जी शर, आ है जी सर जी सर आ रही है सर डिस्टिंक्ट इवेंट्स हैं बिल्कुल फिक्स हैं बड़े अच्छे से चले हैं ठीक इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है बड़े डिस्टिंग इवेंट है एकदम से चले और देखिए जो मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं इसी में थोड़ा सा एड ऑन हो जाता है ऑप्शनल में इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना होता ठीक है ना इसीलिए मैंने कहा है, देखो या तो ऑप्शनल लोगे तो लोग फायदा होगा और पढ़िएगा तो फायदा तो है ही ठीक है ना तो पहला बिंदु क्या है मैसूर की संधि का उल्लंघन हुआ मेरे ख्याल से लिख गया होगा पलता मैसूर और अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ा दूसरा बिंदु लिखिएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिशों के विरुद्ध ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिका का साथ ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिका का साथ फ्रांस दे रहा था ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिका का साथ फ्रांस दे रहा था फ्रांस दे रहा था अतः 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 ब्रिटिश फ्रांसीसी संबंध ब्रिटिश फ्रांसीसी संबंध तनावपूर्ण हुए ब्रिटिश फ्रांसीसी संबंध तनावपूर्ण हुए तनावपूर्ण हुए, तनाव हुए ऐसे में ऐसे में भारत स्थित अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिका का साथ फ्रांस दे रहा था अतः ब्रिटिश फ्रांसीसी संबंध तनावपूर्ण हुए ऐसे में भारत स्थित दोनों कंपनियों के बीच ऐसे में भारत स्थित दोनों कंपनियों के बीच भी तनाव बढ़ा भारत स्थित दोनों कंपनियों के बीच भी तनाव बढ़ा इसी क्रम में अंग्रेजों ने इसी क्रम में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती माहे पर इसी क्रम में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती माहे पर नियंत्रण का, का प्रयास किया नियंत्रण का प्रयास किया और अंग्रेजों और मैसूर के बीच और अंग्रेजों और मैसूर के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ और अंग्रेज और मै मैसूर और अंग्रेजों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ युद्ध प्रारंभ हुआ अगला लिखिएगा तीसरा बिंदु इस युद्ध में थोड़े समय के लिए इस युद्ध में थोड़े समय के लिए मैसूर निजाम इस युद्ध में थोड़े समय के लिए मैसूर निजाम एवं मराठा त्रिगुट मैसूर निजाम एवं मराठा त्रिगुट अंग्रेजों के विरुद्ध बना अंग्रेजों के विरुद्ध बना अंग्रेजों के विरुद्ध बना इस तरह इस तरह सत्रह सो एवं इक्यासी लिखा हो ना बोर्ड पे ऐसे सत्रह सो अस्सी का वर्ष का वर्ष अंग्रेजों के लिए सत्रह सो अस्सी का वर्ष अंग्रेजों के लिए अंग्रेजों के लिए सर्वाधिक संकट का वर्ष था अस्सी इक्यासी का वर्ष अंग्रेजों के लिए सर्वाधिक संकट का वर्ष था अर्थात अर्थात भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां अर्थात भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अंग्रेजों के प्रतिकूल थी अंग्रेजों के प्रतिकूल थी अंग्रेजों के प्रतिकूल थी वस्तुतः इस समय वस्तुतः इस समय भारत में मराठों के साथ वस्तुतः इस समय भारत में मराठों के साथ अंग्रेजों का अंग्रेजों का प्रथम युद्ध भी चल रहा था अंग्रेजों का प्रथम युद्ध भी चल रहा था प्रथम युद्ध भी चल रहा था जहां जहां अंग्रेजों की जहां अंग्रेजों की कुछ क्षेत्रों में जहां अंग्रेजों की कुछ क्षेत्रों में पराजय भी हुई थी पराजय भी हुई थी पराजय भी हुई थी साथ ही इन्हीं मराठों के मुद्दे पर साथ ही इन्हीं मराठों के मुद्दे पर इन्हीं मराठों के मुद्दे पर बॉम्बे और बंगाल बॉम्बे और बंगाल के ब्रिटिश अधिकारियों के बीच बॉम्बे और बंगाल के ब्रिटिश अधिकारियों के बीच ब्रिटिश अधिकारियों के बीच मतभेद व्याप्त था मतभेद व्याप्त था मतभेद व्याप्त था दूसरी तरफ दूसरी तरफ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम दूसरी तरफ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन की पराजय हो रही थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन की पराजय हो रही थी जहां फ्रांस जहां फ्रांस कोमा हॉलैंड जहां फ्रांस कोमा हॉलैंड एवं स्पेन एवं स्पेन भी भी ब्रिटिशों के विरुद्ध भी ब्रिटिशों के विरुद्ध ब्रिटिशों के विरुद्ध विरुद, अमेरिकियों का साथ दे रहे थे अमेरिकियों का साथ दे रहे थे इस तरह भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय इस तरह भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां परिस्थितियां ब्रिटिश के प्रतिकूल थी परिस्थितियां ब्रिटिश के प्रतिकूल थी परिस्थितियां ब्रिटिश के प्रतिकूल थी फोर्थ पॉइंट लिखना भारत में मौजूद ब्रिटिश गवर्नर जनरल भारत में मौजूद ब्रिटिश गवर्नर जनरल ब्रिटिश गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस संकट का समाधान हेस्टिंग्स ने इस संकट का समाधान निकाला इस संकट का समाधान निकाला कौमा उसने निजाम एवं मराठों को उसने निजाम एवं मराठों को अपने पक्ष में किया उसने निजाम और मराठों को अपने पक्ष में किया कौमा. वस्तुतः वस्तुतः मराठों के साथ वस्तुतः मराठों के साथ सालाबाई की संधि वस्तुतः मराठों के साथ सालाबाई की संधि ब्रैकेट में लिखिएगा सत्रह वस्तुतः मराठों के साथ सालाबाई की संधि ब्रैकेट में सत्रह ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा सालाबाई की संधि कर उन्हें युद्ध से अलग किया सालाबाई की संधि कर उन्हें युद्ध से अलग किया और अंततः और अंततः अंततः युद्ध में हैदर को पराजित किया अंततः युद्ध में हैदर को पराजित किया हैदर को पराजित किया कौमा हैदर की मृत्यु के पश्चात हैदर की मृत्यु के पश्चात टीपू शासक बना हैदर की मृत्यु के पश्चात टीपू शासक बना और उसने युद्ध जारी रखा हैदर की मृत्यु के पश्चात टीपू शासक बना और उसने युद्ध जारी रखा अंततः अंततः सत्रह में 1784 में मद्रास के ब्रिटिश गवर्नर मद्रास के ब्रिटिश गवर्नर मैकटर्नी के सहयोग से मैक्टर्नी के सहयोग से मंगलौर की संधि के साथ मैकटर्नी के सहयोग से मंगलौर की संधि के साथ मंगलौर की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ तो यहां पर यह युद्ध समाप्त होता है मंगलौर की संधि के साथ अब जरा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं सत्रह सो नब्बे से बानवे का दौर और यह श्री रंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त होगा वास्तविकता में टीपू ने जब सत्ता को संभाला उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कार्नवालिस है बहुत दूरदर्शिता पूर्ण गवर्नर जनरल है और यहां कि किस प्रकार से वह क्या कार्य करेगा और इस एक युद्ध में निजाम मराठा और मैसूर का त्रिगुट अंग्रेजों के विरुद्ध जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी वास्तविकता में जब कार्नवालिस ने मित्र राज्यों की सूची निकाली तो उसमें मैसूर का नाम था नहीं जब टीपू सुल्तान मैसूर का शासक है और टीपू सुल्तान भी फ्रांसीसियों के साथ लगातार संबंध बनाए हुए है स्वतंत्रता का वृक्ष लगा रहा है ठीक तो कहीं ना कहीं टीपू द्वारा फ्रांसीसियों के से संबंध बनाने के कारण और अंग्रेजों की मित्र सूची में मैसूर का ना नाम होने के कारण दोनों ही शक्तियों के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया ठीक ऐसे में त्रावण कोर जो कि एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य है उस पर टीपू अटैक कर देता है युद्ध हमला कर देता है जिसके कारण दोनों ही शक्तियों के बीच तनाव में बढ़ोतरी हो जाती है और फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जहां टीपू हारता है उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ती है अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ता है और इस कारण से मैसूर राज्य कमजोर हो हो जाता है यहां पर लॉर्ड कार्नवालिस एक बात कहता है कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को कमजोर कर दिया यह उसकी दूरदर्शिता का परिणाम है कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि में अंग्रेजों को तो टीपू का आधार राज्य प्राप्त हो गया किंतु निजाम और मराठाओं को इस युद्ध से कोई शक्ति प्राप्त नहीं हुई और यदि इस युद्ध से उन्हें शक्ति प्राप्त होती तो भविष्य में वो अंग्रेजों के लिए समस्या उत्पन्न करते ऐसे में लॉर्ड कार्नवालिस ने उनसे संधि तो की श्रीरंगपट्टनम की किंतु उन्हें शक्तिशाली नहीं होने दिया क्योंकि यदि वो शक्तिशाली होते तो उस क्षेत्र में वह अंग्रेजों के लिए समस्या उत्पन्न करते इसी के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस कह रहा है कि हमने अपने शत्रु को शक्ति दिए बगैर ही अपने सॉरी हमने अपने मित्र को शक्ति दिए बगैर ही अपने शक, जो शत्रु है उसे पूर्णतः कमजोर कर दिया है और यही उसकी नीति उसकी दूरदर्शिता का परिणाम है कि वो कितना भविष्योन्मुखी एक चित्र अपने मस्तिष्क में लिए हुए चल रहा है इस सिद्धांत को लिए हुए चल रहा है और तृतीय मैसूर युद्ध के बाद लगभग मैसूर की शक्ति समाप्त हो गई थी कुछ बचा नहीं था मैसूर के पास खास और वह सत्रह से बांग्वे का समय तो इसमें पहला बिंदु लिखिएगा इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कार्ल वॉलिस था कार्ल वॉलिस था कौन टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से संबंध बनाए हुए था टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से संबंध बनाए हुए था दूसरी तरफ दूसरी तरफ कार्नवालिस दूसरी तरफ कार्नवालिस के मित्र राज्यों की सूची में दूसरी तरफ कार्नवालिस के मित्र राज्यों की सूची में मैसूर का उल्लेख नहीं था दूसरी तरफ कार्नवालिस की मित्र राज्यों की सूची में मैसूर का उल्लेख नहीं था अतः अतः दोनों के बीच अतः दोनों के बीच तनाव बढ़ा तनाव बढ़ा अगला बिंदु लिखेगा इस युद्ध में इस युद्ध में अंग्रेज मराठे निजाम अंग्रेज मराठे निजाम का त्रिगुट का त्रिगुट मैसूर के विरुद्ध बना इस युद्ध में अंग्रेज मराठे निजाम का त्रिगुट मैसूर के विरुद्ध बना तो युद्ध में टीपू पराजित हुआ युद्ध में टीपू पराजित हुआ और उसे और उसे श्री रंगपट्टनम की और उसे श्री रंगपटनम की संधि करनी पड़ी संधि करनी पड़ी इस संधि में इस संधि में टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों को प्राप्त हुआ इस संधि में टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों को प्राप्त हुआ और, और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में एक बड़ी धनराशि और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में एक बड़ी धनराशि टीपू पर आरोपित की गई टीपू पर आरोपित की गई एवं एवं अंग्रेजों ने टीपू के दो पुत्रों को एवं अंग्रेजों ने टीपू के दो पुत्रों को बंधक के रूप में रखा बंधक के रूप में रखा तीसरा बिंदु लिखिएगा बंधक के रूप में रखा तीसरा बिंदु ब्रिटिश संरक्षित राज्य त्रावणकोर पर टीपू ने हमला किया ब्रिटिश संरक्षित राज्य त्रावणकोर पर टीपू ने हमला किया टीपू ने हमला किया और मैसूर और अंग्रेजों के बीच युद्ध शुरू हुआ टीपू ने ब्रिटिश संरक्षित राज्य त्रावण कोर पर हमला किया और मैसूर एवं अंग्रेजों के बीच युद्ध शुरू हुआ युद्ध शुरू हुआ अंतिम बिंदु फोर्थ लास्ट पॉइंट तृतीयांगी मैसूर युद्ध इस तरह मैसूर की शक्ति को कमजोर कर दिया गया इस तरह मैसूर की शक्ति को कमजोर कर दिया गया कौमा इस तरह मैसूर की शक्ति को कमजोर कर दिया गया कौमा इस संदर्भ में कार्नवालिस ने कहा है कि ऐसे लिखे इस संदर्भ में कार्नवालिस ने कहा है कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पूर्णतः कमजोर कर दिया है पूर्णतः कमजोर कर दिया है पूर्ण विराम लगाइएगा इन्वर्टर को बंद कर दीजिए पूर्णतः कमजोर कर दिया पूर्ण विराम कॉमा क्लोज वस्तुतः कारण संपूर्ण मैसूर राज्य पर नियंत्रण कर लेता वस्तुतः कारण वाले यदि संपूर्ण मैसूर राज्य पर नियंत्रण कर लेता तो उसे अपने युद्धकालीन मित्रों तो उसे अपने युद्धकालीन मित्रों निजाम एवं मराठा तो उसे अपने तत्कालीन मित्रों युद्धकालीन मित्रों निजाम एवं मराठा को अधिक क्षेत्र देना पड़ता अधिक क्षेत्र देना पड़ता अधिक क्षेत्र देना पड़ता तो उसे अपने युद्धकालीन मित्रों निजाम एवं मराठा निजाम एवं मराठा को अधिक क्षेत्र देना पड़ता को अधिक क्षेत्र देना पड़ता इससे वे इससे वे शक्तिशाली होकर इससे वे शक्तिशाली होकर अंग्रेजों के लिए चुनौती खड़ी कर सकते थे इससे वे शक्तिशाली होकर अंग्रेजों के लिए अंग्रेजों के लिए चुनौती खड़ी कर सकते थे चुनौती खड़ी कर सकते थे पूर्ण विराम पूर्ण विराम इस चुनौती से बचने के लिए इस चुनौती से बचने के लिए कार्नवालिस ने टीपू के साथ इस चुनौती से बचने के लिए कार्नवालिस ने टीपू के साथ संधि की कार्नवालिस ने टीपू के साथ संधि की और उसका और उसका आधा राज्य प्राप्त कर और उसका आधा राज्य प्राप्त कर उसे कमजोर बना दिया और उसका आधा राज्य प्राप्त कर उसे कमजोर बना दिया तो साथ ही अपने मित्रों को तो साथ ही अपने मित्रों को शक्तिशाली भी नहीं होने दिया तो साथ ही अपने मित्रों को शक्तिशाली भी नहीं होने दिया इस दृष्टि से इस दृष्टि से श्री रंगपटनम की संधि इस दृष्टि से श्री रंगपटनम की संधि कार्नवालिस का कार्नवालिस का एक दूरदर्शी कदम था एक दूरदर्शी कदम था अंतिम युद्ध है इसके बाद युद्ध मैसूर खत्म ठीक देखो इस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड वेले जली है और उसकी सहायक संधि चल रही है और इसी समय में सुट्रसु नेपोलियन सुट्रसु में है क्या कह रहे हैं सौ निन्यानवे हा नाइनटी नाइन इस समय लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल है बंगाल का और फ्रांस में इस समय नेपोलियन का शासन है और नेपोलियन अपने साम्राज्यवादी विस्तार को फ्रांस में कर रहा है तो क्या होगा उसका इंपैक्ट यहां पर कि टीपू भाई साहब स्वतंत्रता का वृक्ष लगाएंगे मैसूर में और, और नेपोलियन से बड़े प्रभावित होंगे जबकि वहां भी नेपोलियन चुनौती किसको दे रहा है ब्रिटिशर्स को अतः फ्रांसीसियों से निकटता क्योंकि इससे अंग्रेजों में डर आया नेपोलियन का प्रभाव बढ़ रहा था ऐसे में नेपोलियन से निकटते रखने वाली हर शक्ति को अंग्रेजों ने खत्म करना चाहा उसी क्रम में लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया मैसूर पर अटैक किया टीपू को खत्म किया और पुराना उडियार वंश जो था ठीक है ना उसके दो वर्षीय बालक कृष्णराज को गद्दी पर बिठाया और उससे सहायक संधि कर ली और सहायक संधि के तहत मैसूर पर अंग्रेजों का पूर्ण रूपेण जो कब्जा था वो हो गया और मैसूर विजय के उपरांत ही वेलेजली ने कह दिया था कि जो पूर्व का साम्राज्य भारत है वो अब हमारे कदमों में ठीक यह लॉर्ड वेले जली ने कहा इसमें लिख लीजिए अंतिम युद्ध है इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वेले जली था इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वेले जली था गवर्नर जनरल वेले जली था कौमा मैसूर का टीपू सुल्तान मैसूर का टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से निकट संबंध बनाए हुए था इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वेले जली था मैसूर का टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से निकट संबंध बनाए हुए था दूसरी तरफ दूसरी तरफ फ्रांस का नेपोलियन यूरोप में फ्रांस का नेपोलियन यूरोप में साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा था फ्रांस का नेपोलियन यूरोप में साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा था अतः अंग्रेजों को अपने अतः अंग्रेजों को अपने भारतीय उपनिवेश भारतीय उपनिवेश की सुरक्षा की चिंता हुई अंग्रेजों को अपने भारतीय उपनिवेश के सुरक्षा की चिंता हुई ऐसी स्थिति में भारतीय उपनिवेश की चिंता हुई ऐसी स्थिति में वेले जली ने ऐसी स्थिति में वेले जली ने फ्रांस से संबंध रखने वाले ऐसी स्थिति में वेले जली ने फ्रांस से संबंध रखने वाले हर भारतीय शक्ति को समाप्त करना चाहा फ्रांस से संबंध फ्रांस से संबंध रखने वाले हर भारतीय शक्ति को समाप्त करना चाहा, कौमा क्रम में इसी क्रम में मैसूर पर हमला कर इसी क्रम में मैसूर पर हमला कर टीपू को समाप्त किया गया टीपू को समाप्त किया गया और मैसूर के छोटे से भाग पर और मैसूर के छोटे से भाग पर पुराने ओडियार वंश के पुराने ओडियार वंश के दो वर्षीय बालक दो वर्षीय बालक कृष्णराज को कृष्णराज को गद्दी पर बिठाया गया गद्दी पर बिठाया गया पुराने ओडियार से आगे उडियार वंश के दो वर्षीय बालक दो वर्षीय बालक दो वर्षीय बालक दो वर्षीय बालक कृष्णराज को गद्दी पर बिठाया गया और उससे सहायक संधि की गई और उससे सहायक संधि की गई मैसूर विजय के उपरांत वेले जली ने कहा कि मैसूर विजय के उपरांत वेलेजली ने कहा कि पूर्व का साम्राज्य पूर्व का साम्राज्य पूर्व का साम्राज्य अर्थात भारत हमारे कदमों में पूर्व का साम्राज्य भारत हमारे कदमों में है हमारे कदमों में है अब हेडिंग डालिएगा टीपू सुल्तान फतेह अली सत्रह सौ पचास से नाइंटी नाइन तो टीपू सुल्तान का यह है कि टीपू सुल्तान बहुत कुछ सीखा इसने यूरोपियों से और यह खुद को फ्रांस के जैकोबियन क्रांतिकारी दल का सदस्य बताता था नेपोलियन से बहुत प्रभावित था इसने अपने राजधानी में एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया प्रथम ऐसा शासक था जो ये मानता था कि जो आर्थिक शक्ति है वो सैनिक शक्ति की नींव है और इसी कारण से इसने आर्थिक रूप से संपन्न, संपन्नता की तरफ अपने कदम को बढ़ाया संपन्न बनाना चाहा खुद को टीपू ने यूरोपियों के समान ही व्यापारिक कंपनी की स्थापना की और विभिन्न देशों में अपने दूतों को भी भेजा ताकि आर्थिक रूप से यह अपनी शक्ति को बढ़ा सके परंतु टीपू कूटनीतिक रूप से कुशल नहीं था कूटनीति में कुशल नहीं था इसलिए अंग्रेजों के विरुद्ध जो क्षेत्रीय शक्तियों का लाभ टीपू को मिलना चाहिए था वो टीपू नहीं उठा पाया जिस कारण फिर टीपू की पराजय सुनिश्चित हुई अंग्रेजों के खिलाफ और टीपू कहता था कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन दिया जिया जाए ये टीपू सुल्तान कहा करता था ठीक है ना तो जरा इसमें पहला बिंदु लिख लें टीपू सुल्तान ने फ्रांस के टीपू सुल्तान ने फ्रांस के क्रांतिकारी टीपू सुल्तान ने फ्रांस के क्रांतिकारी क्रांतिकारी जैकोबियन जैकोबियन दल का खुद को सदस्य बताया दल का खुद को सदस्य बताया दल का खुद को सदस्य बताया और अपनी राजधानी और अपनी राजधानी श्री रंगपट्टनम में अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और अपनी राजधानी श्री रंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया टीपू ने अपनी सेना को टीपू ने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षित किया टीपू ने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षित किया दूसरा बिंदु लिखिए। टीपू भारत का प्रथम शासक था टीपू भारत का प्रथम शासक था जो यह मानता था जो यह मानता था जो यह मानता था कि कि आर्थिक शक्ति ही सैनिक शक्ति का आधार है कि आर्थिक शक्ति ही सैनिक शक्ति का आधार है आर्थिक शक्ति ही सैनिक शक्ति का आधार है अतः टीपू ने अतः टीपू ने यूरोपियों के, के समान ही अतः टीपू ने यूरोपियों के समान ही व्यापारिक कंपनी गठित करने का प्रयास किया व्यापारिक कंपनी गठित करने का प्रयास किया और विभिन्न और विभिन्न देशों में और विभिन्न देशों में दूत भेजकर और विभिन्न देशों में दूत भेजकर व्यापारिक संबंध बनाने का प्रयास किया व्यापारिक संबंध बनाने का प्रयास किया व्यापारिक संबंध बनाने का प्रयास किया अगला लिखिए अगला बिंदु टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए कहा कि टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए कहा कि एक दिन भेड़ की सॉरी भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना बेकार है भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना बेकार है और शेर की तरह एक दिन जीना श्रेष्ठ और शेर की तरह एक दिन जीना श्रेष्ठ शेर की तरह एक दिन जीना श्रेष्ठ इन्वर्टेड को क्लोज कर दीजिए किंतु टीपू सुल्तान किंतु टीपू सुल्तान कूटनीतिक कुशलता किंतु टीपू सुल्तान कूटनीतिक कुशलता की दृष्टि से कूटनीतिक कुशलता की दृष्टि से कमजोर था कूटनीतिक कुशलता की दृष्टि से कमजोर था अतः अतः वह अंग्रेजों के विरुद्ध अतः वह अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में अतः अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग नहीं प्राप्त कर सका क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग नहीं प्राप्त कर सका आज के लिए इतना ही रहने देते हैं ठीक क्लास भी नहीं एंड कर रहा हूं ठीक तो बंगाल में द्वैध शासन और मैसूर हमने आज समाप्त कर लिया कल हम मराठा शक्ति की बात करेंगे ठीक है ना और उसमें हम देखेंगे किस प्रकार से आंग्ल मराठा युद्ध और पानीपत का युद्ध होता है कौन कौन से पेशवा रहते हैं पेशवा क्या है छत्रपति शिवाजी की अपनी क्या भूमिका रही क्या उस समय औरंगजेब की भूमिका रही बाद में किस प्रकार से इस मराठा शक्ति ने अंग्रेजों के लिए चुनौती प्रस्तुत की ये सारी चीजें कल हम डिस्कस करेंगे उम्मीद यह है कि जितना लिखा रहे हैं या बता रहे हैं वो आपके समझ में आ रहा है और आप समझ पा रहे हैं कि इस विषय को पढ़ने का टेम्परामेंट थोड़ा सा अलग है इसको कहानी की ही तरह पढ़ा जाता है और एकदम सिंपल तो कहानी है जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से अंग्रेज आए क्यों आए और लिखना बहुत ही सामान्य शब्दों में वर्षों के लिए और सन के लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है यदि आपको सन या वर्ष याद करने में परेशानी हो रही है तो बच्चों ध्यान रखिए आपको घटना और उसका परिणाम जरूर याद रहना चाहिए इसलिए इसको कहानी की तरह समझते हुए पढ़ें एक स्मार्ट टैक्टिक्स होती है कि जब हमें कोई चीज नहीं आ रही तो हमें अंक प्राप्त करने के लिए उस एक चीज से किस प्रकार से बचना है और किस प्रकार से अंक प्राप्त करने हैं ठीक तो ये आपका अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा परीक्षा को देते हुए बाकी विषय वस्तु के स्तर पर कहीं कोई समस्या आएगी नहीं जितना विषय वस्तु आप नोट कर रहे हैं वह पर्याप्त है अतिरिक्त कॉन्टेंट की आपको कोई आवश्यकता नहीं है इतना श्योर मैं रहता हूं कि जो लिखवा रहा हूं उसी चीज फंसेगा इसके बाहर कुछ आने की संभावना नल एंड वाइड है ठीक है ना मैं खुद कहता हूं ब्लाइंड फेथ रखिए और मेलोडी खाइए खुद जान जाइए और आप लोग जान भी गए जो मेरे साथ इतने दिनों से जुड़े हैं ठीक कि जितना लिखा रहा हूं उतना पर्याप्त एक भी बुकलेट एक भी अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी ये मेरा काम है कि वो कंटेंट आपको देना जो आपकी परीक्षा उपयोगी कंटेंट हो और आपने प्लेन का टिकट लिया सफर करने के लिए तो मैं आपको बैलगाड़ी से सफर नहीं कराने वाला ये है वो मेहनत मैं करूंगा बाकी रिवीजन की मेहनत और इन चीजों को याद करने की मेहनत आपको करनी पड़ेगी इतना आपको करना पड़ेगा अब अगर इतने में से कुछ ना समझ में आ तो बताइए मेरे विचार से इतना सम, और और है कि बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं और पढ़कर कंटस्थ कर सकते हैं तो कोई समस्या कहीं पर हो नहीं, नहीं चाहिए अगर फिर भी आती है तो इसे संयोग नहीं कहा जाएगा आप आएंगे और अपनी समस्या को पूछेंगे भी और बताएंगे भी सर समझ में नहीं आया ठीक बाकी यह है हमारे इतिहास की ही कहानी और इसको कहानी की तरह ही लेकर चलेंगे तो फिर आपसे कल मुलाकात होगी सेम समय पर ठीक और फिर आगे बढ़ेंगे मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे और अभी साम्राज्यवादी विस्तार चल रहा फिर आगे हम आर्थिक नीतियां वगैरह भी देखेंगे चलिए, कल मिलते हैं